और वो लाइन में लटके भिखारी बन गए और हमारे लोगों को क्या कहते हैं, हमारे ही लोग भाषण देके ठीक है सर। पुरानी परंपरा है हमारी, खाना पानी और आसन यानी बैठने का साधन और पानी और खाना सब लेके चलते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। हम तो फल लेके आएंगे सर जी। आइए सर, आइए, वेलकम। और वो जो आज के समय भी जो तिब्बत में जो दलाई लामा की जितनी संगति लगती है, खासतौर से उनका बर्थडे होता है क्या बोलते हैं जुलाई के महीने में हर साल, तो वहां हर गांव हर कस्बे में दलाई लामा की संगति लगती है। और आज भी वो जो लोग हैं दलाई लामा की संगति में, वो अपनी कंडी में खाना पानी आसन लेके आते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा छाता जो जमीन में गड़ता है वो भी लेके आते हैं, क्योंकि धूप में नहीं बैठते। ये उनकी ट्रेडिशन परंपरा है। और जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनकी जितनी संगति होती है वो खाना पानी चाय कॉफी अपना आसन दरी अपना छाता और जो भिक्षुओं के लिए कुछ देने के लिए खाने का होता है वो अलग से पैक करके ले लेके आते हैं। ये उनकी बुद्धिस्ट जो पुरानी परंपरा है सन्निपात बाहुल की, वहां से चली आ रही है। हम लोग क्या हुए, हम लोगों को देखो कैसा षड्यंत्र रचा हमको कि जो हमारी स्वाभिमान वाली कल्चर थी उस कल्चर की जगह हमको ये कह दिया खाना लाने की क्या जरूरत है, तुम वहां आना तुमको वहां पे पूड़ी और सब्जी मिलेगी। और उसको उन्होंने भंडार को भंडारा बोल दिया कि ये भंडारा है वहां और ये भंडारा क्या बोलते हैं आपको मिलेगा। हमारे लोग अपना खाना पानी आसन अपना चाय नाश्ता कॉफी जो भी कुछ खाने का सामान है वो ले जाना भूल गए, उनकी आदत छुड़ा दी। उससे उनका स्वाभिमान जीरो हो गया और वो लाइन में लटके भिखारी बन गए और हमारे लोगों को क्या कहते हैं, हमारे ही लोग भाषण दे के, हमारा भूखा समाज है, हमारा भुक्कड़ों का समाज है, इनको कहीं खाने को मिल जाए तो इनकी लाइन देखो। और कोई इस बात को नहीं समझता कि हमारा जो समाज है वो देने वाला समाज था। हम अपने लिए भी खाना लेके आते थे और दूसरे के लिए भी खाना लेके आते थे, अपना आसन भी साथ लेके आते थे, गरीबी साथ लेके आते थे और प्राचीन काल से लेके आ रहे हैं। इसलिए ये तो हमारी जो कल्चर है, इस कल्चर को हमको ठीक करना है, चाहे बेशक कहीं कुछ भी हो, पर नहीं खाना अपना खाना अपने साथ लेके आना है। और कोई अपना साथी बाहर से आ रहा है तो उसके लिए खाना एक्स्ट्रा रख के लेके आना है। हमें भोजन दान की आदत डालनी है। और कुछ नहीं है अगर जेब में तो चार केले सड़क से खरीद के ले लेके चलने हैं, कुछ नहीं है अगर जेब में तो क्या बोलते हैं अपने किसी साथी को बोल देना है कि तो मेरे हिस्से का भी चार रोटी बनवा के ले आना। वैसे तो वहाँ खाना एक्स्ट्रा होता है, पर ये आदत हमको जड़ से खत्म करनी है। हम भूखे रह लेंगे पर हम भंडारे की भीड़ में भीख मांग के नहीं खाएंगे चाहे कुछ हो जाए, ये हमें प्रण कर लेना चाहिए। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sarinam gacchami.
साधु साधु साधु।